आज जनता के साथ किए गए हर एक वायदे को एक एक करके पूरा किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जब सभी कार्य एक एक करके पूरे हो रहे हैं, जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो या देश के 135 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो या फिर भारत के आन मान और शान को दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ रखने का कार्य हो, जब ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखा जा रहा है तो भाइयों बहनों, जहां एक ओर ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, वही 500 वर्षों से जनता के मन में एक तमन्ना थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्यक्रम होगा। मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और भाइयों बहनों, जब लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आया था तो लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा था। वे मुझसे पूछते थे कि योगी जी, आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप हैं, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब चुनाव में आए हैं तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, अब तारीख बताने नहीं, हम तो यह देश 1947 से तुष्टिकरण की राजनीति से उभरा होता, इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं फैलता, देश के अंदर नक्सलवाद सिर उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाता, देश के अंदर अराजकता नहीं फैलती। मात्र 6 वर्ष के अंदर मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता प्रशस्त कर दिया, ठीक है, 35 करोड़ गरीबों के बैंकों में अकाउंट खोल करके वित्तीय समावेशन के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य किया, 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, कोरोना काल खंड में मेरी अपील होगी, सहरसा जनपद में भाजपा जनयू हम और वीआईपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सहरसा से श्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, और मेरी अपील होगी आप सभी लोग जहां भी वीआईपी से, भाजपा से, जदयू से और हम पार्टी से जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी को हम लोग अपना समर्थन दें। आप लोग सभी समर्थन देंगे? सभी लोग अगर समर्थन देंगे, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करिए। माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, सभी लोग, ये बाउंड्री वाल पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बाउंड्री वाल में बैठ के रक्षक के रूप में काम करिए, बोलिए कि हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने जो समर्थन दिया, अपील है, देखना क्वारंटीन में देर सी मुकेश सहनी जी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी और चुनाव भी दोनों एक साथ लड़ा जा रहा है और उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा, हो सकता है घर घर में जा पाए हो, लेकिन भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन है, इस फोन का इस्तेमाल करिए, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक को एक एक कॉल करके या एसएमएस करके उनको बताइए कि मुकेश सहनी को हमें यहाँ से भारी बहुमत से, सिमरी बख्तियारपुर से भारी बहुमत से इस चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके उस बिहार विधानसभा में भेजना है। एक अपील और पूछता,
सहरसा से श्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर है। मेरी आप सबसे अपील है कि इन्हें भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजने के लिए आप सभी युद्ध स्तर पर लगे। कल चुनाव प्रचार बंद होगा, 7 को चुनाव अंतिम चरणों में संपन्न होगा और लोकतंत्र की ताकत का एहसास भाइयों बहनों आप जरूर कराएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। व्यापक अराजकता को पैदा करके आन मान और शान के खिलाफ, देश के आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करने का कार्य करते हैं, उनको लोग प्रत्याशी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल देश की आन मान और शान के साथ किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये बिहार विधानसभा का चुनाव कोरोना कालखंड में आप लोग कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह और आपकी उमंग का। जो उत्साह और उमंग बिहार के अंदर लोगों ने दिखाया है, लोकतंत्र के प्रतिनिधि और साथ साथ बीमारी से बचाव के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। हमें हर स्तर पर बचाव करना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करना होगा। और भाइयों बहनों ये मास्क जरूरी के पालन को इसका पालन करते हुए देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी हम लड़ेंगे और बिहार के अंदर विकास और सुशासन का मॉडल जो एनडीए के नेतृत्व में यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में जदयू भाजपा वीआईपी हम पार्टी जैसे सभी दल मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सब का इन सब के नेतृत्व में सहयोग देते हुए बिहार का प्रत्येक नागरिक अगर अपना योगदान दे देता है तो बिहार दुनिया की एक महाताकत के रूप में आगे बढ़ने से बिहार को कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी का 6 साल का कार्यकाल गरीबों के लिए और कांग्रेस और राजद का 55 वर्ष का और 15 वर्ष का कार्यकाल लेकर आप जोड़ देंगे तो भी वो मिलकर के भी इतना काम नहीं कर पाए। और जहां तक देश के आन मान और शान की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जानता है पहले पाकिस्तान ग्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीनबाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे।